यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। शिमला से बड़ी खबर आ रही है जहां पर साहिब सोसाइटी ने नगर निगम के खिलाफ रणनीति बना ली है और अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाएंगे 800 से ज्यादा कर्मचारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिमला से, जहां पर साहिब सोसाइटी ने नगर निगम के खिलाफ रणनीति बनाई है और यहां पर 800 से ज्यादा कर्मचारी अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहर की सफाई व्यवस्था भी इससे चरमरा सकती है क्योंकि 800 कर्मचारी एक बड़ी संख्या है जो अवकाश पर जाने वाली है और 8 साल से सेवाएं देने वाले वालों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिला है, ये आरोप लगे हैं। तो ये लाजमी है कि 8 साल से ये कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन इन्हें 8 साल से न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलने वाला है और जिनसे ये नाराज हैं और इसी नाराजगी के तहत ये अनिश्चितकालीन अवकाश पर जा सकते हैं और इनकी संख्या 800 है, यानी कि 800 कर्मचारी अगर अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे तो लाजमी सी बात है कि सफाई व्यवस्था जो है वो चरमरा सकती है। और ये बड़ी खबर आपको शिमला से बता रहे हैं जहां पर साहिब सोसाइटी ने एक रणनीति बनाई है और यहां पर 800 से ज्यादा कर्मचारी जो है वो अवकाश पर जा सकते हैं और इससे पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। और अगर ये कर्मचारी जो हैं अगर अवकाश पर चले जाएंगे तो सफाई व्यवस्था चरमरा जाएगी, सफाई नहीं होगी और जिससे कई बीमारियां होना भी लाजमी है। तो ये बड़ी खबर आपको शिमला से बता रहे हैं जहां पर 8 साल से सेवाएं देने वालों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है, ये सफाई कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं विभाग पर और साहिब सोसाइटी ने नगर निगम के खिलाफ ये रणनीति बनाई है और अनिश्चितकालीन अवकाश पर 800 से ज्यादा कर्मचारी जाने वाले हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है शिमला से जहां पर नूरपुर बस हादसा ये मामला है और हिमाचल हाईकोर्ट में इस मामले की आज सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया था इस पूरे मामले का। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ये बस हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान चली गई थी और उसमें पूरे 28 लोगों की जान चली गई थी। हाईकोर्ट ने खुद ही इसका संज्ञान लिया था और सरकार को निर्देश दिए थे कि वो इन पूरी घटनाओं पर एक पूरी रिपोर्ट पेश करे कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, हादसों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द बनाई जाए और हाईकोर्ट में पेश की जाए और इसी के तहत आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है और हादसों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ये हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे और खुद ही इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था हाईकोर्ट ने, जिसके ऊपर आज सुनवाई होने वाली है। नूरपुर बस हादसे का ये मामला है जिसमें 28 लोगों की जान चली गई थी और इसमें कई बच्चों की जान भी चली गई थी, छोटे छोटे बच्चों की, तकरीबन उनकी संख्या 20 से 22 बताई जा रही थी। तो नूरपुर बस ये बस हादसा मामला है शिमला से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और हाईकोर्ट ने खुद ही इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था और सरकार को आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द वो ये बताए कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं और ये सबसे बड़ा हादसा हुआ था नूरपुर में जहां पर 28 लोगों की जान चली गई थी और काफी सारे बच्चों की जान चली गई थी। तो हादसों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ये हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि फटाफट इसके ऊपर रिपोर्ट पेश की जाए और आज देखना ये होगा कि हाईकोर्ट की सुनवाई में सरकार क्या रिपोर्ट पेश करने वाली है, सरकार क्या कुछ बताने वाली है कि क्या कदम उठाए गए हैं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। तो ये बड़ी खबर शिमला से आपको बता रहे हैं जहां पर नूरपुर बस हादसा ये मामला है और इसमें हिमाचल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। और नालागढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर बद्दी के एक दिवसीय दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर हैं और बरोटीवाला हेलीपैड का लोकार्पण करेंगे सीएम जयराम ठाकुर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरोटीवाला हेलीपैड का लोकार्पण करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नालागढ़ के आज दौरे पर रहने वाले हैं सीएम जयराम ठाकुर, मंधाला पंचायत में बग्गूवाला पुल का शिलान्यास भी करेंगे
और उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना की भी आधारशिला सीएम रखने वाले हैं। नालागढ़ बद्दी के एक दिवसीय दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर है और इसी के साथ बरौटीवाला हेलीपैड का भी लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ मंधाला पंचायत में बग्गूवाला पुल का शिलान्यास भी किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर हिमाचल में कई जगह के दौरे कर रहे हैं और इसी पूरे डे प्लान में आज वो नालागढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर मंधाला पंचायत में बग्गूवाला पुल का वो शिलान्यास करेंगे और उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना की भी आधारशिला रखेंगे सीएम जयराम ठाकुर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बलदखड पर बनने वाले पुल का भी शिलान्यास करेंगे सीएम जयराम ठाकुर, यानी कि कई सौगातें मिलने वाली है नालागढ़ के लोगों को और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं सीएम जयराम ठाकुर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नालागढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम जयराम ठाकुर, जहां पर कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे।